का सीन है और यह है अभी अभी ट्रेन इसी जंक्शन से खुली है। इस जंक्शन का नाम लक्ष्मीबाई नगर। अब कुछ ही सेकंड बाद यह ट्रेन इंदौर जंक्शन को पहुंचेगी। इसके बाद का नज़ारा भी आपको मैं बारी बारी से दिखाऊंगा। आप एक के बाद एक वीडियो में बने रहें। ये हम सब ट्रेन से डाउनलोड हो चुके हैं। अब तक अपलोड थे, अब डाउनलोड में हम हैं और यह इंदौर जंक्शन है। तो ये गाड़ी तो यार ये वो जो है ना दूसरी गाड़ी आती है तो पहली वाले पे आती है। बिल्कुल बढ़िया से। ये हमारे अश्विनी भाई और प्यार से बोले तो टिंकू जी 15 साल पुराने यानी 2004-05 नहीं 2002-04 2002 के आसपास हम किसी कोचिंग में मिले थे और तब से मिलते ही रहे हैं। दिल्ली के किसी कोचिंग में यूपीएससी के तैयारी के दौरान मिले थे और तब से मिल ही रहे हैं। अभी हम दिल्ली से इंदौर आ चुके हैं दिव्य कला मेला कवरेज के लिए, लाइव कवरेज के लिए। और हमारे साथ वो पीछे ऐसे छुपे छुपे देखो तो 4 लोग इसमें बैठे हुए हैं। अब हम आगे मंजिल की ओर जा रहे हैं, आगे फिर आपको दिखाएंगे क्या कुछ होता है। ये मालवा मिल ब्रिज जिस पे हम चल पा रहे हैं। अब यहाँ से राइट की ओर ये लेफ्ट साइड में स्टेशन ओवर ब्रिज है जो क्रॉस करने के बाद शहर के दूसरी साइड चले जाएंगे और यह राइट साइड। आपको यह जानकर अति हर्ष व गर्व होगा, भारत का पहला ऐसा शहर जिसे हम अपनी भाषा में इंदौर कहते हैं, मध्य प्रदेश का एक शहर है और स्वच्छता के मामले में अपने नंबर 1 पर आता है। हमें भी, हम जिस शहर में भी, भारत के जिस कोने में भी रहते हैं, हमें भी पहल करना चाहिए और अपने शहर को कुछ इस तरह साफ रखना चाहिए कि आने वाले कोई भी सवारी, यात्री, टूरिस्ट याद करें, वर्णन करें और दूसरों को बताएं कि यह शहर इतना साफ सुथरा है। जैसा कि हमने अभी इंदौर शहर के बारे में आपको थोड़ा सा 2 शब्द बताया। सुबह का टाइम है, 7:15 बज रहे हैं, साफ सुथरा हवा और देखिए आपके स्क्रीन पर यह गुरु नानक द्वार कितना सुंदर मनोरम दृश्य पेश कर रहा है। यह इतना सुंदर हवा, वाकई लाजवाब स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण। ये परशुराम जी स्टैचू एक चौक पर। जी हाँ, तब से स्क्रीन के पीछे मैं आपके सामने दिख गया हूँ। कुछ इस तरह से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए रेड लाइट है और इंदौर शहर के एक चौराहे पर हम हैं और यहाँ भी बाइक वाले रूल तो तोड़ ही रहे हैं। और यहाँ खास बात, बाइक वाले विदाउट हेलमेट। कॉलोनियों के नाम एबी रोड, भभोरी, नदिया नगर, संजय नगर। धर्म के पीछे हम सब मानव छोटे हैं, कद छोटा है, तभी देखिए सड़क चौड़ी तो हो गई लेकिन हमारे धर्म जैसा कहता है। राम नाम हनुमान मंदिर, भोले राम हनुमान मंदिर। अभी सड़क पर कोने पर यह पुराना मंदिर है इसलिए सड़क तो बाद में चौड़ी हुई। स्वच्छता और हरियाली का एक और उदाहरण, हालांकि टेम्परेचर इतना है कि सारे पौधे सूख चुके हैं। ये हमारे
पांच पांडव, पंच तत्व और पंच नमूने। कितना सुंदर मंदिर के ऊपर बने, मस्जिद के ऊपर बने गुंबद का यह नज़ारा। श्री गणेश मंदिर खजराना द्वार। बनाया गया है। ट्रैफिक तो यहाँ भी है लेकिन सिस्टमैटिक, जैसा कि आपको स्क्रीन पर टू व्हीलर का पार्किंग देखने को मिल रहा है। अंबेडकर के नाम से जानते हैं, संविधान निर्माता रचयिता। यात्रा पूरा हुआ, जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे थे, इंदौर शहर का पूरा एक परिक्रमा करने के बाद दिव्य कला मेला ग्राउंड का मुख्य द्वार, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां से हम अंदर इंटर करेंगे।